कही अनकही बातें शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप बैन कर दिए हैं। जी हाँ, आइए जानते हैं वो ऐप्स कौन से हैं। आखिर भारत सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? भारत सरकार की सुरक्षा के लिए। साइबर क्राइम के सूत्रों से पता चला कि इन चाइनीज ऐप के जरिए चीन हमारा डेटा हैक कर रहा था, तो इससे हमारी सुरक्षा होगी और ये हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर टिकटॉक पे पड़ा है। जी हाँ, टिकटॉक की पूरी दुनिया में 40 करोड़ यूजर्स हैं और सबसे ज़्यादा यूजर्स उसके भारत में हैं। जी हाँ, 30% इंडियन यूजर्स टिकटॉक यूज़ करते हैं। उनका सारा समय टिकटॉक में ही जाता है, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, आइए देखते हैं। से एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाए, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक। उम्र सारी सभी ये जरूर जानना चाहते होंगे कि इंडियन प्रोडक्ट्स और इंडियन ब्रांड्स कौन से हैं और विदेशी ब्रांड्स कौन से हैं। आइए एक नजर डालते हैं उन पर। अब सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इंडियन चीज़ों का ही इस्तेमाल कीजिए और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दीजिए। बाकी ऐसी और कई अनकही बातें जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ कही अनकही बातें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।